very lovely today. Beautiful hair. उसको पार करके हासिल की है तो सिर्फ फर्क ये है बहुत लोगों ने देखा नहीं है तो शायद मैं हर लोगों के पास जाके बोल नहीं सकती नॉक नॉक मुझे जानिए सो आई हैव गॉट वेरी लवली कैरेक्टर जहाँ पे मैं असलियत दिखा सकती हूँ वेरी ट्रू मैम आपको व्हाट मोटिवेटेड द फर्स्ट रीजन इज मैंने सुना भी नहीं था एंड व्हेन आशु जी कॉल्ड There is no way to say no. मतलब उनके dictionary में ना नहीं है. It's like all about yes, yes, yes. और मैं मतलब ये हाँ कहने के बाद मैंने आपकी story सुनी है. So and it was really good. Like बहुत अलग है. मतलब एक simple सा जो लड़की नहीं मैं story नहीं बताऊँगी. बहुत simple story. No, no, no. That's we can't keep the secret. हाँ नहीं नहीं मैं तो मतलब बता रही हूँ generally. हाँ. एक बहुत सिंपल लड़की होती है जो कि मैं हूँ इनोसेंट सा चेहरा उसका तो वो एक ऐसे सलून में जाती है मतलब वहाँ पे ऐसे ट्रांसजेंडर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं वो देख के उसको मतलब रियली अ शॉकिंग सिचुएशन लाइक ऐसा उसने कभी नहीं देखा था बस मैं लड़की लड़की से प्यार करती है ऐसा वाला मतलब नेवर बट वो खुद भी कन्फ्यूज रहती है कहीं ना कहीं कि मतलब वो जिंदगी में क्या चाहती है खुशी या मस्ती तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा हैशटैग मंडे मैं यही कहूँगा कि जब मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना था और आशु से मेरी जब पहली मीटिंग हुई थी तो आई थिंक एक अब नाम मिस कर रहे हैं वो है हमारे डायरेक्टर साहब का अभय जिन्होंने जिनसे मैं पहली बार मिला था और जब उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे नरेट की थी तो जब मैं उनसे मिला था और जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे नरेट की थी तो मैंने उसी वक्त उनको कह दिया था कि आई वुड लव टू प्ले दिस पार्ट एंड क्रेडिट गोज टू हिम आशु एंड अक्षय थैंक यू सो मच एंड इट्स एन ऑनर सर के लिए भी एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए सर सो एक एडिशनल क्वेश्चन है सो ये रोल प्ले करते समय आपको कुछ चैलेंज लगा अदर देन आपने जो भी रोल्स पहले किए होंगे उससे चैलेंजिंग तो नहीं था क्योंकि मैंने जो पहले पहले भी जो काम किया इट वाज क्वाइट सिमिलर टू दैट पार्ट
But yes, as she mentioned, ki, it's a love story. Jis tarah ho end hoti hai, there are a lot of twists and bahut se twists hain. So uske liye aap logo ko dekhna padega. But yes, it was really nice working with all of them. Yeah, thank you. मैंने आशु जी को एक क्वेश्चन किया था कि आशु जी आपने ये कौन सी चॉइस करके लिए किया है? तो आशु जी बोली मुझे कुछ दुनिया में कुछ अलग सा होता है वो दिखाना है. और आशु जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको हैशटैग मंडी में दिखाने की अच्छी से कोशिश की है. तो आशु जी ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी है मेरे पास में बैठे हुए से लग रहा करके भाई बहन. पास में बिठाने के बाद तो ऐसे लग रहा करके दोनों भाई बहन पक्का ही है. ये देखिए ठीक है भाई बहन का रिश्ता ये अच्छा लग रहा है लेकिन वो ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सर सो मच. थैंक यू. माय डियर इज अ कॉन्टिनेंट सर. श्याम जी को साथ तुलना करना नॉट पॉसिबल. देन आई वुड बी एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड बट आई विल से दैट मंडी में भी काफ़ी सारी भावनाएं दिखाई गई थी और इमोशंस एंड हैशटैग मंडी सिंस इट्स कमिंग अप छोटी थी हम उसे थोड़ा एजी में बता रहे हैं लेकिन हम इस पर भी वी आर फाइटिंग फॉर द इमोशंस ऑफ पीपल. वी ऑल आर इक्वल्स. स्टॉप ट्रीटिंग देम सेपरेटली कि ओ दिस इज हिज सेक्सुअल प्रेफरेंस और दिस इज हर सेक्सुअल प्रेफरेंस. हमें वो नहीं करना. वॉट इज देयर चॉइस इन लाइफ इज देयर चॉइस बट we are normal and we all have emotions and we all go through happiness and sadness in life. That's what we have come to in hashtag. In fact, we should say we are not normal. I think body सबके पास है. चार दरवाजे के पीछे में करने से अच्छा जो चीज हम सहते हैं वो देखते हैं वो दिखाओ भी. कब तक 21st century है और ये इंडिया है. बिछड़े हुए देश से बाहर निकलना चाहिए. Which I do feel like. मुझे हजम करो. हजम. मैं आपसे अच्छा हूँ तो कोई फेल नहीं सकता है. ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन पल्लवी जी से. जी व्हाट वाज द बेस्ट थिंग व्हाट डिड यू लाइक इन द शो? इसी नहीं जवाब दे दिया. एक्चुअली एवरीथिंग बिकॉज हमारे जो डायरेक्टर थे वो इतने कंफर्टेबल थे और हमको लगा ही नहीं है मतलब वी डू हैव अ लव मेकिंग सीन राइट. सो हम इतना कंफर्टेबल वे में शूट किए मतलब वो हमें आके पूछे कि तुम कितने में कंफर्टेबल हो एंड मतलब इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू दैट. ओके आई थिंक दैट टीम वाज सुपर. हां एग्जैक्टली. बट बहुत अच्छे थे मतलब जिस तरह से शूट किया मतलब द यूनिट इवन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एक्टर्स एंड द प्रोडक्शन एवरीथिंग वाज सुपर. थैंक यू सो मच. तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको शो में सबसे जैसे मुझे आपका हेयर कलर अट्रैक्ट करा आपको इस शो में सबसे अट्रैक्टिव क्या लगा? जो मेरे साइड पे अभी बैठी है शी इज एन एब्सोल्यूट कैमरा स्टीलर. सो शी लड़कों से पूछो ना. तो ऑब्वियसली नहीं जोक्स अपार्ट एक्चुअली सबका परफॉर्मेंस अपने आप में ही उन्होंने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है और स्टोरी ही इतनी चैलेंजिंग है जैसे बार बार हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग को ही पूछ रहे हो कि बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है. तो आई थिंक एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है उस स्टोरी को एक्सेप्ट करना और वैसे दिखाना फियरलेसली कैमरे के सामने वो चीज़ को लाना. तो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस वी हैव. इवांका मैम ये आपकी पहली वेब सीरीज है जी. तो आपको क्या सोचा आपने कि आप वेब सीरीज क्यों करना चाहती हैं एंड आपका ये डेब्यू हो रहा है तो क्या चैलेंजेस आए? बिकॉज आई थिंक वेब सीरीज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो देयर वुड बी फ्यू चैलेंजेस जो आपके अक्रॉस आए होंगे बिकॉज यू आर मे बी लाइक यू आर अ वेरी गुड डांसर यू आर अ मॉडल बट वेब सीरीज में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस फेस हुए होंगे. कहाँ से शुरुआत करूँ वो पता नहीं चल रहा मगर हाँ ज़रूर कहूँगी. पहली बात तो मैं जब पैदा हुई थी अपने आप को सोच रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ वेल आई कैन यू नो बी लाइक द वे आई एम और वो सिर्फ मैं ये चाहती थी कि मैं एक एक्ट्रेस सुधरूँ. वो सिलसिला कुछ अजीब था कि मैं डांसर बन गई मॉडल बन गई मगर अच्छा था जो सिलसिला था एटलीस्ट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला.
अब बात ये है कि मुझे ये मौका कैसे मिला. इट जस्ट ऑल क्रेडिट गोज टू आई थिंक बट आई वुड से लाइक अक्षय गॉट ऑफ दिस बिकॉज वी यूज्ड टू डू लाइक सम थिएटर के लिए हम सिलसिले में कहीं मिले थे एंड बिकम फ्रेंड्स नाउ. तो मेरे पास बहुत ये लेकिन तीन प्रोजेक्ट है तो इत्तेफाक इट वाज सो कोइंसिडेंस एंड ही ऑफर्ड मी ये वाला पहला रिलीज हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ही सेड व्हाई वी सजेस्ट एनी अदर फॉर दिस पर्टिकुलर किंग और रोल कैरेक्टर. तो आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड ट्रांस शी इज नाउ तो अभी क्यों नहीं बात उसी सिलसिले में भी मस्ट बी पीपल लॉट ऑफ पीपल नोज अबाउट बिकॉज इट्स गेम्स ऑन ऑल पोर्टल्स सो इट्स इस सिलसिले में. और बात रही क्यों किया मैंने और 2 साल में नेशनल अवार्ड लेना है सिर्फ इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने सारे लोग हैं कोई लोग मुझे जानते हैं और कोई नहीं मुझे उसका मतलब आई रियली डोंट फील बैड अबाउट ऑफ इट आई वन आई शुड नॉट फील बैड अबाउट ऑफ इट. इवांका दास मतलब भगवान दयालु है गॉड इज प्रेशियस नाम बेशक मैंने रखा मगर इस नाम को बनाने वाला एक शख्स है वो है मिस्टर केशव सूरी फाउंडर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस ललित सूरी. प्लीज एक बार उनके लिए ताली बजाएं. आज उन्होंने सॉरी मैम सॉरी आई वुड लाइक बिकॉज से एनी विच वेज आज आपके तक पहुंचने का रीजन आई एम जस्ट इट्स अ फॉर्मल मैं बंगाली में बोल रही माँ शिखी छिलो सामने वाले को थोड़ा सा मीठा बोल दो because well I'm not known as a meetha wali I'm very straightforward so the thing is unki wajah se jo main hu aaj wahi hu mujhe koi dikkat nahi sabke samne bolne ke liye do waqt ki roti ho aur chhat ho because he is only one and he did lot of things for everyone those are from our community LGBTQI community because he did really good for us especially he runs Kesar Suri foundation and पर्टिकुलर दो दैट थ्रू फाउंडेशन उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों को बहुत लोगों को हर चीज़ों से बाहर निकाला है जैसे केशव सूरी फाउंडेशन वर्क्स फॉर एसिड विक्टिम्स इन फैक्ट टू अस ऑल्सो जिन लोग ट्रांस वुमेन हैं जिन लोग प्रिविलेज नहीं है इवन दे मतलब दे रियली डू वर्क फॉर देम. मैं आपको यही बोलना चाहूँगी थैंक यू फॉर कि मैं ऐसे बोलूँ आप लोग भी इसी फील्ड में हो और कहीं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं जो प्रिविलेज है प्लीज़ अकेला कितना देश शादी करें जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे आप भी शामिल हो जाओ और बनाओ अपना भी वजूद. और मैं यही कहना चाहूँगी थैंक्स टू केशव सूरी फाउंडेशन एंड ललित हॉस्पिटलिटी पार्टनर थैंक यू लव यू एंड थैंक यू अगेन एंटायर टीम आपने कैसे मेरे अंदर क्या दे दिया इस टकली को बट थैंक यू उनका लाइक दे विल एक्सेप्ट इट इन अ गुड वे और अ बैड वे या कैसे क्या होने वाला है. एक्चुअली एज अ चैनल वी ऑलवेज गो फॉर न्यू कांसेप्ट न्यू टैलेंट्स New joiners, those who have downloaded our app must have gone through all the series and they come to know that we are into a new talent as well. We are in search of the knowledge, new talents. The same thing goes over here also. This is a subject. I think none of the OTT platforms in India at least have chosen this kind of subject and on their platforms. But it's a new thing for us. At the same time, it is not about only boldness of the series. We have exposed a little bit from our point of view. The other part of the transgender episodes. What humility or what say in a better way how they suffer in society in a normal way. So we try our level best to expose those things. And for that, as a talent head, as a channel head, we think about the new things will definitely come first and will generate more money as compared to the other things. But besides the joking, I think we have successfully given all the we have given whatever series we have put in. We have definitely promoted a lot of new talents as well, and we continue to do so in the future also. Thank you so much, sir.
ये सीरीज का जन्म तो आशु जी ने दिया है. आशु जी ने जब ये सब्जेक्ट मेरे पास लेके आए तो आज मैं पहले कंफ्यूज था करके आशु जी अच्छा लगेगा, तो आशु जी ने बताया करिए सर मैं एक बार करके दिखाती हूँ, एक होने के बाद मुझे बता देना कैसा लग रहा है आपको. लेकिन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आशु जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें दिया है करके. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. व्हाट इज योर रिएक्शन जिस वक्त आपको बोला गया कि दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द नो यू विल बी लीडिंग द सीरीज आई वुड से एज इंस्टेड ऑफ. पहले तो मैं ये बात सुन के मुझे हैरान हो गई थी, ठीक है चल आई विल डू दिस पार्ट. सो व्हेन इट कम्स अबाउट ऑफ ऑल दीस scenes, AG scenes and all. So I was like, oh my god, because in personal life, must be I look very modern, very bold or something like that. I'm not the person actually from inside who will be very comfortable with those scenes actually. To feel later on, I realized ki nahi, chalo, it's okay. Being an actress, you're supposed to be there and kahin na kahin you have to be. So she was the only one. Mujhe abhi bhi yaad hai, wo scene particular karne ke liye, I took two hours. नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं जो नहीं होने वाला मेरे से, मैं दो घंटे ऐसे. आई वाज लाइक स्टबर्न, नो आई कांट डू इट, लाइक सब बंद करो, बंद पैक अप. दो घंटा शी वाज द ओनली वन काउंसलिंग मी, बेबी यू हैव टू डू इट. एंड शी वाज स्टार्ट गिविंग मी ऑल दोज रेफरेंस जिन्होंने लेजेंडली जिन लोग परफॉर्म करते हैं उन लोग, यस डन ओके चलो कैन यू व्हाई नॉट. सो नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल सीइंग मी माई सेल्फ वॉट एवर आई डिड एज एन एक्टर. मैंने अभी कहा था उधर कि हम लोग ने ये जो सब्जेक्ट लिया था तो थोड़ा बहुत बोल्डनेस जो उसका जो पीछे का जो उनका जो सफरिंग्स है वो भी हम चाहते हैं कि आगे लेके आए. तो एक नया सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ इसी के बारे में कि अगर थोड़ा सा अगर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज होता है उस कैटर की तरफ से तो भी हमारे लिए वो सक्सेस हो जो बहुत जरूरी है. बस तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस. सर टॉकिंग अबाउट प्राइम फ्लिक्स, क्या मतलब कैसे डिफरेंट है अदर प्लेटफॉर्म से, जैसे और भी आपने डाउनलोड किया हमारा Have you gone through all my series? Have you gone through all my series? No, not yet. देखो कि different ही है वो सब. अरे सही बात. अब जोनो जो है उसका subject से all different. Right. और अभी भी नहीं, October तक ऐसे different ही मिलेगा आपको अलग subject. Right. तो go through app download करा दो पहले. Series देखो हमारे. Also, what is the USP of Prime Flix? If you can brief about that. The beginning itself, I told हम लोग ने कहा था कि bold and beautiful. Yeah. वो अभी भी वही है. तो और मतलब not vulgar, nothing like that. सूरत भी दिखे और सब्जेक्ट वाइज बोल्ड जैसा यह है बोल्ड. आप जो है सेंसिबल टॉपिक्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं हमने देखा. तो सर कैसे मतलब चुनाव कैसे होता है कि ये हमें कॉल इट गोस टू हर मैम इफ यू कैन टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ सो शी कम आउट विद डिफरेंट सब्जेक्ट. सो बेसिकली हम लोग ऐसे जब चैनल के एक सीट पे बैठे रहते हैं या फिर चैनल एक सीट देता है, मतलब ऑल थैंक्स टू माय बॉसेस राकेश सर एंड किरण सर, उतना फेथ दिखाते हैं मुझ में. हम लोग यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सोच के कॉन्सेप्ट को लेना पड़ता है क्योंकि फिर व्यूअर्स के बहुत फीडबैक आते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं. स्पेशली जब आप कोई बोल्ड टॉपिक पे लेते हो, ऐसे नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये एग्जिस्ट करती है लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता. तो प्राइम फ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, हम बनावटी तो दिखाना चाहते हैं ही नहीं कहीं किसी भी स्टेज पे. दूसरा बात यह है एज अ चैनल ऑब्वियसली हम उस यूथ के पास पहुंचना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम उस मास के पास पहुंचाना चाहते हैं जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ताकि कल को उनके सामने अगर ऐसे कोई चीज़ आए तो रादर देन बिहेविंग नेगेटिवली दे विल हैव द पावर टू अंडरस्टैंड कि नहीं थिंग्स लाइक दिस हैपन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. तो प्राइम फ्लिक्स का यही मोटिव है टू इट्स व्यूअर्स. आई विल ऐड ओवर जो जनरेशन अभी है चल रहा है तुम लोग का समझो जो बोली वी आर टारगेटिंग द टीनेजर्स वही फ्यूचर है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज होता है, उनका माइंड अगर सेट पूरा चेंज होता है, डेफिनेटली वी विल हैव अ बेटर इनफैक्ट देयर समवन शुड बी देयर हु कैन ब्रेक दिस. व्हाई वी ऑलवेज वांटेड टू सी द वे वी रियली वांटेड टू
जब when we picturize बड़े पर्दे में तब तो हम कर लेते हैं क्यों छोटे पर्दे में हम घर घर तक नहीं पहुंच सकते which is true very true but man big players in the market in Netflix is there Amazon is there Hotstar is there they have a decent budget for the production kind of thing so how will you you know try to make a difference to your platform हमारा फिलहाल तो सर मोटिव यही है कि हम घर घर तक पहुंचे तो वी आर वेरी कंटेंट ओरिएंटेड चैनल हम ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही लेके जाएंगे हमारा हमेशा ये डुअल मोटिव रहेगा एक है सोशल कॉज को बढ़ावा देना दूसरा है ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करना तो टचवुड एक महीने मतलब दो महीने से हम लॉन्च हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ग्राफ स्केल एंड आगे भी वैसे ही होता रहेगा आप लोग का प्यार मिलता रहेगा मैम आपसे जानना चाहूँगा टॉपिक अबाउट योर कैरेक्टर हाईवे में हमने देखा था इसी तरह के टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया था तो आपने कुछ रेफरेंसेस लिए थे फॉर योर कैरेक्टर जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ बट आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंस बिटवीन द एजेस बिकॉज मैं अभी भी थोड़ी देर पहले इसी सिलसिले में बात हो रही थी और बहुत ही इट्स वेरी कोइंसिडेंस रिलेटेड द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड राइट नाउ आई लुक बोल्ड सेक्सी वेरी डोमिनेंट वुमन वेद पर्सनल लाइफ आई एम वेरी सटल वेरी सोशल बट द थिंग इज वेन इट्स कम्स अबाउट ऑफ द वेन यू गोइंग टू लीड समथिंग लीड समवेयर एल्स मैं बहुत ही ज़्यादा वो डोमिनेंट वुमन हो जाती हूँ विच इज़ आई एम देयर आई एम हेयर सो फॉर मी आई रियली डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रेफरेंस फ्रॉम अदर्स वेर आई रियली वॉन्ट टू प्रिटेंड माई सेल्फ सो दिस इज माई आंसर विच इज़ आई एम तो ये बहुत ही पता नहीं कोइंसिडेंस केम टू मी कैरेक्टर तू है तो मतलब ठीक है ये तो मैं ही हूँ इतना फर्क है एजी में नहीं हूँ एजी में नहीं हूँ या बट हाँ वो सीन के बारे में होता तो मैं हाइट ओके बिकॉज जनरली आई एम नॉट इन टू लाइक दैट ऑफ थिंग्स बस लाइक दैट When it comes about bossy thing, I'm there. Okay, कर लेगा. So I'm there. Okay, आखिरी सवाल आपसे पूछूं. हाँ जी, हाँ जी. ये हाजिर जवाबी कहाँ से सीखी है आपने? शाहरुख, it remind me of the way शाहरुख interact with media. पूछने से पहले जवाब ready है और वो भी हर फन बोल रहे हैं आप. अब देखिए, अब कलाकार हमने आपने आपको साबित तो कर दी है. तो अगर acting खाली screen में करूँ तो फायदा क्या? हाँ और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट है जब मौका मिल गया इतने सारे मर्दों को नीचे करना चाहिए दैट्स माय कैरेक्टर मैम एक सवाल यहाँ पे पोस्टर देख रहा मैं पोस्टर बहुत ही कैप्टिवेटिंग लग रहा है हाँ जी आइडिया था बिहाइंड द पोस्टर आई वांट टू नो अबाउट दैट किसका आइडिया था कैसा था इट लुक्स वेरी कैप्टिवेटिंग ओके सो द थिंग इज अगेन इत्तेफाक से तो मैम को मैं पूछती ही रहती थी जब मुझे कास्ट किया गया तो अभी मेरा फिर और दो तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब जहाँ से मुझे ना खाली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलते हैं एंड आई एम थिंकिंग मुझे भी थोड़ा बच्चा वाला रोल दे दो तो इन्होंने बोले तभी तो बाल उगा ले सो आई सेड ओके उगा लूँगी मगर वो तो बिग भी चलेगा तो उन्होंने बोला एक्चुअली द वे यू जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो क्लोथ्स है तो कैसे कलर्स है तो मैंने बोले रेड है ब्लैक है ब्राउन है वाइट है बोले मैं तो कहाँ से सोशल लगेगी ऑल अ स्ट्रॉन्ग तो बोले येस मस्ट बी बिकॉज आई लाइक पर्सनली दोज कलर्स तो उन्होंने बोला था मुझे पर्टिकुलर तुझे वही गाउन चाहिए जो मतलब आई रियली वांटेड टू सी तो उन्हें मतलब पहन ले और खड़े हो जा एंड आई गिव ओके मैं तो बॉस लगी रही हूँ सो लेट मी गिव द एक्सप्रेशन सो इट्स केम एंड थैंक्स टू व्हाट इज नेम द फोटोग्राफर रजत ही रियली नेल्ड इट थैंक यू रजत यू मेड इट एंड पोस्टर जी आपने जो प्रश्न पूछा मैंने इसीलिए श्री को लुक भी दिया हमने कुछ 20-25 पोस्टर बनाए होंगे तो ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद वो नहीं पसंद फिर लास्ट में ये निकल के आया कि यस इसमें लग रहा है कि कुछ ये तो मैं भी नहीं लग रही उसमें जो हूँ मैं As far as my experience concerned, I have done a few web series before. Or as far as my role in this series, it's quite similar, which I have played in the past. And as I've mentioned earlier, so with me, my connection with director is very important. So with and the way we both
connected, and Pallavi, she's my love. She's seriously? My, yeah. Okay. You don't know? No. Pallavi don't know. Seema knows, Seema, I guess. Seema, I guess. Yeah. So yeah, it was a very good experience. Me being a part of that series. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. आपने टीजर प्रोमो देखा ये हैशटैग जुड़ने का क्या कहना चाहेंगे क्या खास लगा आपको बहुत बोल्डनेस भी थी करेक्ट खास सबसे ज़्यादा किरदार सब्जेक्ट जो कि अपने आप में उसका जो नाम है हैशटैग मंडी ये है मंडी तो बेसिकली एक इन्होंने इमोशंस की मंडी जैसा कि आशु जी ने भी कहा कि एक इमोशन की मंडी इन लोगों ने सेट की है जो कि दुनिया में है ही हम हर इंसान के जीवन में कई तरह के इमोशंस हैं अब बात यह है कि बहुत से लोग जो हैं आज के इस टाइम में जब हम हैं तो वो इमोशंस को लेकर के सामने नहीं है पर्दे के पीछे हैं तो वो ये कहना चाह रही हैं कि वो इमोशंस आप जो हो वो खुल के सामने आ जाओ और उन्होंने कितनी सुंदरता से कही है ये तो हमको सीरीज़ देख के पता चलेगा तो इसके लिए देखना चाहिए सबको थैंक